आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दे रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि कल 10 तारीख को 10 मार्च को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा 2019 के इलेक्शन जो है उनको अनाउंस किया है, डेट टू शेड्यूल को अनाउंस किया है। और कल 5 बजे से लेके जो है वो आखिरी दिन तक जो जब तक इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमारा इफेक्ट में आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है ये 4 लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है वो एक हिस्सा है और इसमें हमारे जो इलेक्शन होंगे वो 6 मई 2019 को होंगे। और सबसे बड़ी बात है मैं बताता चलूं आपको कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल वोटर हैं जो इसमें वोट डालेंगे वो लगभग 85,763 वोटर हैं और जिसमें 265 हमारे पोलिंग लोकेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे वो वोट अपना डालेंगे। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से ये होगा कि जितना भी हमारा इलेक्शन का प्रोसेस होगा वो बहुत ही फ्री, फेयर, स्मूथ और एथिकल होगा। और इसमें हमने जितनी भी इलेक्शन मशीनरी है वो सारी ऑन द प्लेस है। हम इलेक्शन कराने के लिए या वो स्वीप का प्रोग्राम हो, अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन हो, पोलिंग स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन हो या किसी किस्म का कोई भी प्लान है जो इलेक्शन को स्मूथ, फ्री एंड फेयर करवाने में हमारी हेल्प करेगा, तो वो सारा प्लान जो है वो हमारे पास प्लेस में है। हमारी जितनी भी टीम्स जो हैं वो सारी प्लेस हैं, वो टीम्स जो हैं अपने अपने कामों में लग गई हैं कल 5 बजे से ही। तो मैं आपको बताता चलूं इसमें कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो 10 मार्च 2019 को 5 बजे से जो है वो लागू हो गया है और ये तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो जाता और करगिल डिस्ट्रिक्ट भी जो है इसी प्रोसेस के अंडर आएगा। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को या लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक टीम्स हैं जिन टीम को जो है वो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं वो हेड कर रहे हैं। इनकी सुपरविजन में, ओवरऑल सुपरविजन तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की रहेगी लेकिन ओवरऑल इंचार्ज जो हमने इनको बनाया है एज अ नोडल ऑफिसर तो वो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जो इसकी सुपरविजन करेंगे, मिनट टू मिनट सुपरविजन करेंगे और उसकी आवरली सुपरविजन होगी, पूरे दिन की सुपरविजन होगी और उसके हिसाब से पूरा जो हफ्ते में हमने क्या किया, कौन सी इश्यूज़ हमारे पास आए, कैसे हमने उनको डील किया, एज़ पर ला जो भी हमें एक्शन होगा तो वो वक्तन फक्तन हम आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे और बताते भी आपको रहेंगे। दूसरी जो बात है मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि हमारी बहुत सारी टीम्स होती हैं वो मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिलेटेड होती हैं, वो हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम होती हैं, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, हमारी वीडियो सर्विलेंस टीम होती हैं, वीडियो स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स होती हैं जो पूरे इस इलेक्शन के प्रोसेस को, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं इस 4 लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितनी भी होंगी उन सब को मॉनिटर किया जाएगा, एक फ्री एंड फेयर वे में मॉनिटर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी किस्म की हमें कोई वायलेशन मिलेगी तो उसके अगेंस्ट में जो है वो हम एज़ पर द लॉ, एज़ पर द इलेक्शन रूल जो है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो 8 हैं हमारे पास जो अभी पूरे एरिया में जो है वो सर्विलेंस करेंगे, हर जगह पे करेंगे। तो हमें थोड़ा सा इशू आता है कि कुछ एरियाज़ जो हैं हमारे वो बहुत ही स्नो बाउंड हैं तो उन एरियाज़ के अंदर भी हमने जो है अपनी टीम्स वहीं पे, वहीं उसी सब डिवीज़न में जो है वो एस्टेब्लिश की हैं, बना दी हैं तो वो कल 5 बजे से जो है वो भी सर्विलेंस पे हैं, पूरा काम जो है अपना देख रही हैं। उसके बाद हमें आपको बताएं कि यहाँ पे हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर की पार्टिसिपेशन कराएं और ख़ासकर जो हमारे 18 साल से ज़ायद उम्र के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं और 30 साल से कम की उम्र के जो हैं इनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है क्योंकि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी हिली है और स्नो बाउंड है काफ़ी, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के सिलसिले में या कामकाज के सिलसिले में या अपनी हेल्थ को लेकर किसी भी सिलसिले में जो हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तो वो अभी धीरे धीरे जो है अब मार्च के महीने में आना शुरू हो गया तो हमारा मेन फोकस रहेगा। और मैं आपके माध्यम से भी, आपके ज़रिए से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हैं बूथ्स पे आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएँ। हमारी एक हेल्पलाइन है 1950 जो पूरा दिन चलती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो है चलती है और हमारे इलेक्शन के कंट्रोल रूम के जो नंबर्स हैं वो 24/7 चलते हैं। हमारे यहाँ पर जितने कंट्रोल रूम हैं इलेक्शन के वो 24/7 चलते हैं, तो गोया के हमें कोई भी वोटर या कोई भी स्टेक होल्डर जो इलेक्शन से बराए रास्त
راست جڑا ہے یا انڈائریکٹلی جڑا ہے یا ڈائریکٹلی جڑا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم بتائیں آپ کو کہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے, کیونکہ آج کا زمانہ آپ بیٹر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اس میں ہم کیسے ان کے اوپر نظر رکھیں تاکہ وہ کسی قسم کا ایسا اس کے اوپر کنٹینٹ یا مواد نہ ہو جو ہماری قوم کے یا ہمارے ملک یا ہمارے ڈسٹرکٹ کے امن کے خلاف ہو یا یہاں کے بھائی چارے کو جو ہے وہ ڈیریل کرے یا اس کو کسی قسم کی ٹھیس پہنچائے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہیں ہر سب ڈویژن لیول پہ, تو اس کو بھی ہم مانیٹر کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے پارٹ ہیں اس طریقے سے جو ہے ہم نے ان کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ورکرس ہیں, جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل جو ایجنٹس ہیں یا جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرس ہیں, اگر وہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی بھی سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ واٹس ایپ گروپ ہو, چاہے وہ ٹویٹر کا ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, یا وہ یوٹیوب پہ بھی چلا رہے ہوں, تو کسی بھی طریقے سے ہے تو وہ ہمارے نیرسٹ پولیس اسٹیشن یا تحصیل آفس میں یا ایس ڈی ایم آفس یا ایس ڈی پی او آفس میں جا کے وہ اپنا رجسٹر کروائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کوئی اکاؤنٹ نہیں چلا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ مانیٹر کرنے میں اور اس کو پورا سرویلنس کرنے میں اور اس کو اگر کوئی بھی کسی قسم کی وائلیشن ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے, اس کے اکارڈنگلی ہماری ٹیم جو ہے وہ پورا ورک کرے گی ایز پر دا الیکشن رولس, ایز پر دا لا آف دا لینڈ. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ نوڈل افسرس ہیں جو ڈفرینٹ ہمارے جو ایریاز ہیں اس کے لیے ہم نے نوڈل آفیسرس بنائے ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن سے ہو, چاہے وہ میڈیا سے ہو, چاہے وہ سویپ سے ہو, چاہے وہ الیکشن مینجمنٹ سے ہو, چاہے وہ سیکیورٹی سے ہو. تو اس کے لیے ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 17 ٹیمز جو ہیں وہ بنا دی ہیں. 3 ٹیم ہماری جو ہیں وہ ریزرو میں رہیں گی کہ اگر کوئی بھی ٹیم جو ہے کسی کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑے گی تو ہم جو ہے اس ریزرو ٹیم کو جو ہے وہ ایکٹیو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹیم جو ہیں یہ کل شام سے یہ بھی فنکشن کر رہی ہیں. اس کے بعد شیڈیول کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ہمارا 5ویں شیڈیول میں جو ہے اس پارلیمنٹری 4th لداخ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کے کرگل ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا الیکشن ہوگا یہ 5ویں فیز میں ہوگا, جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 6 مئی 2019 کو جو ہے وہ ہوگا. دوسرا ہمیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, ہم نے جتنی بھی یہ سرویلنس ٹیمز بنائی ہیں یا جتنی بھی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرس کے انڈر جتنی بھی ٹیم ہیں جو ورک کریں گی تاکہ ہم اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو فری, فیئر, اسموتھ اور ایتھیکل بنا سکیں. اور ہماری الیکشن پریپیئرڈ کے نس کے حساب سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم الیکشن کے لیے بالکل فلی پریپیئرڈ ہیں. ہماری جتنی بھی جو الیکشن سے ریلیٹڈ جو منیمم چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جس سے الیکشن جو ہے وہ اسموتھ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے ہر پولنگ اسٹیشن پہ پلیس ہیں, اور ان وقتاً فوقتاً ہم ان کا ریویو کرتے رہیں گے اور ان پہ وزٹ بھی کرتے رہیں گے, ہماری ٹیمس جاتی رہیں گی. اگر کسی قسم کا ایسا کوئی ایشو ہوگا تو ہم اس کو ڈیل کرنے کے لیے ریڈی ہیں, فلی پریپیئرڈ ہیں ہم. تو یہ ہماری کانفرنس کا جو ہے وہ مین مدعا تھا اس پریس کانفرنس کا. باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز ون بائی ون آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یور کوئسچنس. سر کرگل میں زیادہ تر آبادی اس وقت جموں اور سری نگر میں ہے, تو ان کو اگر خدا نہ خواستہ یہ راستہ مسلسل بند رہ یا برف باری کی صورت میں تاخیر ہو جائے تو ایسے میں حکومت کیا اقدام لیں گے ان کو؟ اس معاملے میں یہ ہے, ایک تو امید تو ہمیں رکھنی چاہیے کہ موسم صاف ہوگا, راستہ ہمارا کھلے گا, تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن یا لنکنگ روٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم پبلک کو فیسلیٹیٹ کرانے کے لیے رکھوائیں, اور اگر کچھ ایسی ایمرجنسی ہوگی تو وی ول ریکویسٹ دا وردی CEO J&K, اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے جو ہے ٹرانسپورٹیشن کسی بھی قسم کا جو ضرورت ہوگا وہ ارینج کروانے کی کوشش کریں گے اور ان کو لکھیں گے بھی. لیکن مجھے امید ہے کہ تب تک موسم صاف ہو جائے گا, ہماری جو ایئر فورس کی شارٹیج چلتی ہیں یا جتنے بھی جہاز چلتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے لوگ باہر ہیں وہ مارچ کے مہینے میں ہی یا 1st week of April تک جو ہے وہ واپس آ جائیں. جی, تو ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ کیا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال ہے. ابھی تک ہم نے جتنے بھی ہمارے پرسنس وتھ ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس جو ہمارے پاس ہیں, ووٹرس جو ہیں, ہم نے ان کو جو ہے وہ مارک کیا ہے الیکشن لسٹ کے اوپر, الیکٹورل رول کے اوپر, اور یہ پروسیس جو ہے یہ کنٹینیوس ہے. ہم نے
उनके लिए पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहला इंतज़ाम ये किया है कि उनके लिए रैंप बनवाई है, और उनके लिए जो है हमने वॉलंटियर्स भी वहाँ पे जो है वो इकट्ठे किए हैं, और उनको ट्रेनिंग भी हमने दी है कि वो कैसे जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हैं उनको वो कैसे असिस्ट करेंगे। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा इंतज़ाम किया है, उसके बाद हमने जो उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं, इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं जिसकी वजह से उनको अपना वोट डालने में या अपना काम करने में आसानी मिले, तो वो सारे इंतजाम भी हमने पूरे करके रखे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस, बस उसमें आपकी कोऑपरेशन है कि अगर हमारी नज़रों से कोई छूट जाए, आपकी नज़र में है तो वो आप हमें बताएं, तो डेफिनेटली हम उसको जो है असिस्ट करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। सर, करगिल में कितने पुलिस स्टेशन हस्ताज या इंतहाई हस्ता थे, अगर है तो इसे निबटने के लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? वैसे यहाँ पे आप तो वाकिफ़ हैं इस एरिया से कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इतना चैलेंजिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आती है। छोटी मोटी जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारे 128 पोलिंग स्टेशन हैं वो आते हैं, तो 128 पोलिंग स्टेशन पे हमने जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी हमने अपनी टीम्स तैयार रखी हैं, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा इशू होता है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम उस सिचुएशन को जो है वो निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमारी टीम सर्विलेंस पे है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई भी जो है वो एपिसोड या इंसिडेंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी पार्टीज़ जो हैं वो हम उनके साथ जो हैं वो रेगुलरली कंटेक्ट में हैं, ताकि हम इस इलेक्शन को फ्री फेयर कर सकें और स्मूथ जो है कंडक्ट करवा सकें। तो ऐसा होगा नहीं, अगर लेकिन होगा तो उसके लिए हमारी पूरी टीम्स तैयार हैं, तो जो भी एक्शन होगा एज़ पर लॉ हम उनके अगेंस्ट में करेंगे। सर, वोटर्स शिनाख्ती कार्ड है वो क्या है? मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो वोटर शिनाख्ती कार्ड हैं जिसको एपिक कार्ड बोलते हैं, तो अभी तक हमारी 90% वोटर जो हमारे पास हैं, मैं आपको बताता चलूं कि 85,763 वोटर हमारे जो हैं जो रजिस्टर्ड वोटर हैं इलेक्टोरल रोल के ऊपर जो वोट पोल करेंगे, उनमें से 90% के पास जो है वो एपिक कार्ड है। 10% ऐसे हैं जिनके पास एपिक कार्ड नहीं है। हमारा वो प्रोसेस जो है अंडर प्रोसेस है कि वो प्रिंटिंग जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर ही हमारी मशीनें जो हैं वो पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग 10% है उनको भी हम एपिक कार्ड देंगे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।